Good morning to everyone. How are you? I think you are very, very well, and you are looking for my video. And today we have reached spoken day 42, and it is very, very important class, guys. So keep watching. And we have taken five type of sentences, which are very, very useful for your spoken. So guys, one thing I want to say all of you, that please always watch my video, and my video quality is very good, and my video is also good. And one thing more, that please practice hard. Always I repeat, please work hard, please make your speed in spoken, then you will be very good. Okay, let's start. We should start from type one. And type one is वो हंसने लगती है, वो हंसने लगती है. Always we speak, वो हंसने लगती है, वो रोने लगती है, वो दौड़ने लगता है, तुम हंसने लगते हो. इस प्रकार का सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन. दैट मीन्स इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस का जो फॉर्म है वो किस टेंस में है. तो ये देखिए है, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. तो इसका मतलब वह हंसने लगती है, शी बिगिंस टू लाफ. हम लोग क्या यूज करेंगे, लगती के लिए बिगिंस का प्रयोग करेंगे. वो हंसने लगती है, शी बिगिंस टू लाफ. वह रोने लगता है, ही बिगिंस टू क्राई. वह दौड़ने लगता है, ही बिगिंस टू रन. वह सोने लगता है, ही बिगिंस टू स्लीप. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इन प्रॉपर वे, एंड यू आर थिंकिंग एंड प्रैक्टिसिंग हार्ड. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग लाइक दैट, आई थिंक नो बडी कैन स्टॉप यू इन स्पीकिंग. ओके, सो प्लीज वर्क हार्ड. एंड सेकेंड टाइप, दिस टाइप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. वह हंसता ही रहता है, वह रोता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, वह जाता ही रहता है, वह गाता ही रहता है. लाइक दैट टाइप ऑफ, दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. एंड दिस इज वेरी वेरी इजी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस. ही, एट फर्स्ट वी यूज ही मीन्स सब्जेक्ट. आफ्टर दैट डज, वह करता है नथिंग, वह कुछ नहीं करता. ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता, बट लाफ, केवल हंसना. हंसना ही सिर्फ करता है, दैट मीन्स वह हंसते ही रहता है. उसी प्रकार वह हंसता ही रहा. अगर बोलेंगे ही डिड नथिंग, वह कुछ नहीं किया, बट लाफ, वह हंसता ही रहा. ही डिड नथिंग बट लाफ, ही डिड नथिंग बट लाफ, ही डिड नथिंग बट लाफ. उसी प्रकार, इन द सेम वे, उसी प्रकार का बोले थे ना, इन द सेम वे यू कैन प्रैक्टिस. वह सोता ही रहता है. He does nothing but sleep. वह सोता ही रहता है. He does nothing but sleep. वह रोता ही रहता है. He does nothing but cry. वह दौड़ता ही रहा. He did nothing but run. वह दौड़ता ही रहा. He did nothing but run. तो I think you are getting proper way. Okay, you are getting in proper way. That means अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. वी कैन गो इन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ फूल ही फूल है, यहाँ झरने ही झरने हैं, यहाँ तालाब ही तालाब है, यहाँ बालू ही बालू है, वहां वहां पे मुर्दा ही मुर्दा था. इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं ना. एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इसका यूज कैसे करेंगे, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट फ्लावर्स, सिर्फ फूल ही फूल है. बट फ्लावर्स, फूल ही फूल है. हियर मतलब यहाँ. देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर. देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर. देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स, यहाँ फूल ही. उसी प्रकार मैं बालू ही बालू देखता हूँ, तो आई सी नथिंग, मैं कुछ नहीं देखता हूँ, बट सैंड, बालू ही बालू. तो दैट मीन्स आई सी नथिंग बट सैंड. उसी प्रकार, इन द सेम वे यू कैन प्रैक्टिस. यहाँ फूल ही फूल है, देयर आर नथिंग बट फ्लावर्स हियर. यहाँ बालू ही बालू है, देयर इज नथिंग बट सैंड हियर. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स इन प्रॉपर वे. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. ओके, वी कैन गो अहेड इन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस मींस टाइप फोर सेंटेंस. वो नहीं आई और आएगी भी नहीं. वह नहीं गाई और गाएगी भी नहीं. वह नहीं सोई और सोएगी भी नहीं. तुम नहीं खाया और नहीं खाएगा भी. तो इस तरह का सेंटेंस, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बट यू हैव टू, फिर बोल रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई अगेन आई रिपीट,
प्लीज वर्क हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक एनीथिंग, नो नथिंग, यू कांट स्पीक नथिंग, यू कांट स्पीक नथिंग, दैट मीन्स आई एम नॉट ओवर एक्टिंग, ओके, आई एम नॉट डूइंग ओवर एक्टिंग, ऑलवेज इट इज, आई थिंक इट इज नीडेड, ओके, तो दैट मीन्स वो नहीं आएगी भी, तो दैट मीन्स शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई, और नोर विल सी, मतलब आएगी भी नहीं, तो अगेन फिर बोल रहा हूं, दूसरा जो सेंटेंस का पार्ट है वो देखना है कि किस सेंटेंस में गया है, तो शी डिड नॉट कम नोर विल सी, उसी प्रकार उसने पत्र नहीं लिखा और लिखेगा भी नहीं, तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर नोर, क्या बोल देंगे, नोर विल ही, आई थिंक समझ गए। अब टाइप फाइव एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, मोहन न केवल पढ़ता है बल्कि समझता भी है, आप न केवल अंग्रेजी सीखते हैं बल्कि लिखते भी हैं, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ओके, लेट्स टॉक, ओके, मोहन नॉट ओनली रीड्स बट आल्सो अंडरस्टैंड, तो आप जो है आप पढ़ते न केवल पढ़ते हैं बल्कि समझते भी हैं, तो यू नॉट ओनली रीड्स बट आल्सो अंडरस्टैंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे, सीता न केवल सुंदर है बल्कि तेज भी है, तो सीता इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, तो उम्मीद करते हैं, आई होप यू कैन फॉर यू कैन फ्रेम दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ओके ओके। अब कुछ सेंटेंस के लिए, मतलब सेंटेंस में कुछ जरूरत पड़ता है, कोई और नहीं मतलब नो वन एल्स, कहीं और नहीं, समवेयर एल्स, ओके सॉरी, कहीं और नहीं था, कहीं और नहीं, नो वेयर एल्स, ठीक है, और कहां, तो बोलते हैं वेयर एल्स, और किसी न किसी तरह, सम हाउ और अदर, आई थिंक दिस टाइप ऑफ वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन, दैट्स व्हाई आई टेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, एंड आई वॉन्ट टू से अगेन, प्लीज प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस नाउ, यू शुड प्रैक्टिस एट होम, बिकॉज आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेज, एंड इफ यू प्रैक्टिस देन यू कैन स्पीक, एट फर्स्ट थिंक वाट टू स्पीक, एट फर्स्ट थिंक वाट यू स्पीक, ओके, एंड देन ट्रांसलेट इट इन टू इंग्लिश, एंड डोंट बी अफ्रेड, घबराना नहीं है, यू कैन, बिकॉज यू हैव लर्नड ऑल द टाइप ऑफ सेंटेंसेज विच यू हैव टू translate, okay, that means I can remove it, I can delete from the board, I can remove it from the board, as you think you can speak, jaisa aap sochte hain aap bol sakte hain, that means I have completed spoken day 42 and all the classes, whatever I have taught you, I think all the classes is important, so please don't miss the classes and at first go to playlist, Bikram tutorial playlist means spoken playlist, and at first think properly and write properly, and after that try yourself, then I think you can speak, and after 60 days I will bring some topics and I think some important drama as a, I think it will be helpful to all of you, because when I will write all the plays, whatever it will be delivered by Bikram tutorials, I think, and those plays will be helpful in your spoken, and one thing remember always, that don't hesitate to speak English, because I'm hesitating because I don't practice, whenever I come here that time I speak, and I don't mind what I speak, I think only what to speak, what to say, what to deliver, so don't worry, if you do mistake, this is not a tension for you, this is tension for means who are listening to you, okay, so don't worry,
ओके नाउ वी विल प्रैक्टिस, वी विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. एट फर्स्ट ऑलवेज थिंक अबाउट टेंस. ओके टेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स, मीन्स फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. नाउ नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट. सेकेंड टेंस इज, दिस इज प्रेजेंट टेंस. ओके एट फर्स्ट यू नो फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस. एंड प्रेजेंट टेंस इज ऑफ फोर टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके दिस इज द प्रेजेंट टेंस. एट फर्स्ट दिस टाइप ऑफ टेंस इज इंपॉर्टेंट. After that, past tense. Past tense is also of four types. First is past and indefinite. And again, after that, past imperfect, past perfect continuous. That means, if you remember present indefinite, present imperfect, present perfect, and present perfect continuous, then you can remember. Past indefinite, past imperfect, past perfect, and past perfect continuous. And now we will think about future tense. And future tense is also of four types. That means you have to remember 12 type of tense. And in this tense, you will learn many things. I think you will use have, had. In different way, you will use is, am, are in different way. You will use do, does, did in different way. And when you understand all the things in proper way, then if you think any type of sentence, what to speak, I think you can translate. And English is not so hard as you think. English is very very hard. So don't worry. Okay, because English is not tough as you think. English is just a practice. If you practice hard, you can speak. If you don't practice, you can't speak. You can't frame the sentences. So please, don't worry. And I am BD and I will always help to all of you. I am always with all of you. So don't worry. Always think. And if you have some problem, then tell me, I will remove all the problems from your life, from your spoken. So I think you will practice hard and be healthy, be cool, be always keep patience and don't be afraid and what to say. And always watch my video. My video is very, very important for all of you. And if you are practicing for NTPC, Railway, SSC, and banking also, and then please watch, keep watching always Become Tutorial video, because I will upload all types of video which will be helpful to your in your exam, and you can crack the exam. It is my guarantee. So always keep watching and share to my video all the. Contest means all the examiner, all the examinee, and all the participant. So till then, have a nice day, all of you. Thank you very much. Till then, have a nice day.